भाइयों राम राम सत श्री अकाल। मैं आपका भाई राम सिंह राणा। आज मैं खड़ा हूँ एक छोटा सा ढाबा, बड़ा प्यारा सा शिवो वैष्णो ढाबा, जो पड़ता है हमारा जो हाईवे के ऊपर मन्नत सितारा ढाबा है उसके बिल्कुल अपोजिट आपको इसकी लोकेशन पड़ेगी। और एक बड़ी खुशी हो रही है अपने लिए, तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जब हम अपने पास पता नहीं कितने एम्प्लॉइज काम करे के चले जाते हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं पास आ करके, कितने एम्प्लॉइज हैं जो दिल में पड़ जाते हैं, तो ये कहानी है कुछ बच्चे की जो पैदाइशी अपाहिज है। और बड़ी शर्म भी आती है कि हमारी सरकारों का सिस्टम इतना गंदा है कि नौकरियां सिर्फ उन्हीं को रहेगी जो उनकी जेब गर्म करते हैं। तो हमें बड़ा दुख आता है कि ऐसा भाई हमारा जो लगभग पिछले 14 साल से मेरे पास काम करता था और इसने कभी सैलरी नहीं ली, तो इसकी एक इच्छा थी कि बाबूजी मैंने आपकी तरह एक ढाबा बनाना है अपना। तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, इसका काम जुड़वा के दिया हमने। शिवो वैष्णो ढाबा है जो सितारा वैष्णो ढाबा के सामने बिल्कुल पड़ता है। और ये ये भाई है हमारा, इसका नाम ही शिवोम है और एक शिवोम राणा नाम है इनका। और ये बचपन से ही इसके जो हालात हैं, ये इसी हालात में मतलब देख रहे हो आप, तो शुरू से ही परमात्मा की पीछे से मार पड़ी गई, अपने शरीर से अपाहिज हो गया। लेकिन ये लगभग 15 साल से मेरे पास काम करता था एज ए कैशियर ही, हमने इसको रखा था लेकिन इसने कभी सैलरी नहीं ली। तो हमारा भी मन था कि भाई चलो यार, एक आदमी के अंदर इतना जुनून है कि करने के लिए जरूरी नहीं हमारा शरीर ठीक है जब भी हम कुछ कर सकते हैं, वो आपके अंदर एक जिज्ञासा, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो मैं आप सभी भाइयों से अपील करता हूँ, एक तो इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो आदमी हट्टे कट्टे होने के बाद भी काम नहीं कर पाते उनको एक मिसाल मिले। काम करने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, दिल चाहिए, हौसला चाहिए। आपका शरीर अपाहिज भी है तब भी आप काम कर सकते हो और ये जीता जागते मिसाल आपके सामने है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा, इस भाई को इतना सपोर्ट करो। आप बहुत फूड ब्लॉगरों की वीडियो देखते हैं, हम कोई फूड ब्लॉगर नहीं है, हम एक समाज सेवी हैं। और हम इस भाई के लिए इतनी अपील कर रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। और ये मन्नत सितारा के सामने ढाबा पड़ता है कुरुक्षेत्र और करनाल के नीलोघड़ी के बीच में। अगर आप नीलोघड़ी से आ रहे हो, करनाल से आ रहे हो, तो पीछे ग्रेट खली ढाबा है, उसके बाद ये पहला ही ढाबा आएगा जो सबसे पहला ढाबा पड़ेगा, शिवम वैष्णो ढाबा। तो मेरे भाई को, मेरे बच्चे को इसको सपोर्ट करो। और सभी भाई जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चाय, एक चाय का कप पी के जाए, यहाँ रुकना जरूर है मेरे पंजाब वाले भाइयों, ये मान सम्मान की बात है। एक अपाहिज आदमी को हमने कामयाब करना और दुनिया को एक मिसाल देनी है कि एक बंदा है जो बगैर अपने पैरों पे खड़े हुए। और पता नहीं ये इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कम से कम 20 आदमियों को रोजगार भी दे रहा है, जो हट्टे कट्टे हैं वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और मैं इसके हौसले को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ मैं इसके हौसले को कि एक ऐसा बच्चा है हमारे बीच में, एक हमारे समाज में, कि जो जज्बा इतना है इसके हौसले को बुलंद है। और सभी भाइयों से दोबारा फिर अपील करूंगा, एक बार यहाँ पे आके आपने जरूर इस भाई को सपोर्ट करना है। और आते जाते जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई शरीर या पैसे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक हौसला होता है, फिर परमात्मा अपने आप रस्ते बनाता है। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने।